फाइनेंशियल फ्रीडम का सही अर्थ क्या है, पहले तो हमें ये समझना होगा। जब हमें पैसे कमाने की जरा भी टेंशन ना हो और ये बात हमें बहुत ही आत्मविश्वास से बोल पाए, वो सही मायने में फाइनेंशियल फ्रीडम होता है। देखा जाए तो इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, पर लेखक ने एक तकनीक हमें बताई है जिसको समझकर हम अपने जीवन में बदलाव कर सकते हैं। उन्होंने इसको 7 चरणों में विभाजित किया है। पहली स्टेज है नंबर को फाइंड करना। फाइनेंशियल फ्रीडम का अर्थ है हर व्यक्ति के लिए थोड़ा सा अलग होता है। तो आपको क्या लगता है कि कितने पैसे आपके पास आ जाएं जिससे आप आगे के आने वाले दिनों में नौकरी ना करके सुकून में अपना जीवन व्यतीत करें? सबसे पहले तो आपको कुछ अंकों का समूह निश्चित करना होगा जो आपको लगता है कि आप उसको पाकर आर्थिक आजादी पा लेंगे। फिर वो चाहे आपका कर्ज चुकाने के लिए हो या फिर आपके बाकी के खर्चों के कवर करने के लिए हो, ये आपको ही डिसाइड करना है कि आपके लिए फाइनेंशियल फ्रीडम के क्या मायने हैं और वो कितने रुपयों से आ पाएगी। दूसरी स्टेज है आप कहाँ पर हैं इसको समझना। पहला तो ये था कि आपको फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए एक अमाउंट चाहिए। अब दूसरा ये है कि अभी इस वक्त आप आर्थिक रूप से कहाँ पर खड़े हैं। कहने का मतलब है कि आपकी इस समय नेटवर्थ क्या है, आपके पास कितना पैसा है, कितने असेट हैं, क्या आपने स्टॉक या बॉन्ड में निवेश किया है कि नहीं, आपके सर पर कितने डेट हैं, कितना कर्ज चुकाना है, ये सब आपको इस स्टेज में जान लेना होगा। तीसरा स्टेज है पैसों को लेकर अपनी सोच में बदलाव। बचपन में आपको पैसों के बारे में क्या बताया गया है, शायद यही कारण है कि आपको वो आगे बढ़ने से रोक रहा है। तो आपको अपनी सोच में बदलाव लाना पड़ेगा, पैसों का सही अर्थ समझना पड़ेगा। अगर आप अभी भी उसी मानसिकता से चलते हैं तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, अपने पैसों को दुगना या तिगुना नहीं कर पाएंगे। सोच बदलेंगे तो आपके पैसे भी आगे बढ़ेंगे। चौथी स्टेज है बजट बनाना बंद करें और अपनी सेविंग्स पर ज्यादा ध्यान देना। अपने पैसों का हिसाब रखना अलग बात है और बजट बना के चलना आपको ग्रो करने में रुकावट पैदा कर सकता है। बजट की मानसिकता आपके दिमाग पर साइकोलॉजिकल असर डालता है। हम हर चीज कम पैसे में करने लगते हैं और जिससे आपका निवेश आहत होता है और पैसा आगे नहीं बढ़ पाता। पांचवी स्टेज है 9-to-5 जॉब को हैक करना। चाहे आप अपनी जॉब से प्यार करते हो या नहीं, पर आपको ऐसी जॉब चुननी चाहिए जिससे आप ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा पाए और आपको उससे भी ज्यादा पैसा कमाने की उम्मीद हो। आपको अपनी और अपनी कंपनी की मार्केट वैल्यू निकालनी होगी और US वेतन वर्ग पर काम करना होगा जिससे आप ज्यादा से ज्यादा पैसा बना पाए। अपने बेनिफिट को मैक्सिमाइज करिए, नई नई स्किल सीख कर उसको और बढ़ाएं और हाई पेइंग कंपनी में अप्लाई करिए और 9-to-5 जॉब का मैक्सिमम यूज करना। छठी स्टेज है जॉब के साथ साथ साइड हसल से ज्यादा प्रॉफिट कमाना। साइड हसल का मतलब होता है मुख्य रोजगार के साथ साथ किसी और तरीके से पैसा कमाना। महंगाई के इस दौर में आय के सोर्स पर ही निर्भर रहना बहुत बड़ी बेवकूफी होती है, इसलिए आपको अपने मुख्य नौकरी के अलावा भी कुछ और करना चाहिए। साइड हसल को करने के लिए आपको ये ध्यान रखना होगा कि वो आपको प्रॉफिट कमा के दे। कहीं ऐसा ना हो कि आप अपने साइड हसल पर अपना सारा ध्यान केंद्रित कर दें और आपको उतना रिटर्न ना मिले जितने की आप उम्मीद कर रहे हैं। सातवीं स्टेज है ज्यादा से ज्यादा पैसा निवेश करने की कोशिश करना। अगर आप पैसा निवेश करते हैं तो होता क्या है कि आपका पैसा ही पैसा जनरेट करता है। आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, बस आपको सही इन्वेस्टमेंट प्लान में पैसा निवेश करना होता है। हालांकि मार्केट में हजारों इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी अवेलेबल हैं, पर आपको अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को ध्यान में रखकर ही पैसा निवेश करने की कोशिश करनी चाहिए ताकि आगे चलकर आपको ज्यादा से ज्यादा रिटर्न मिल सके। अगर आपको ये लग रहा है कि ये पुस्तक इस बारे में है कि पैसों को कैसे इन्वेस्ट करें, पैसों को कैसे और कितना बचाएं ताकि आपका रिटायरमेंट अच्छे से चले, तो आप गलत सोच रहे हैं। ये किताब इससे कहीं ज्यादा है। इसका मूल उद्देश्य आपको फाइनेंशियल फ्री करने का है। जैसा कि हमने पहले भी चर्चा करते हुए आपको बताया था कि हर किसी के लिए फाइनेंशियल फ्रीडम के अलग अलग मायने हैं। किसी को लगता है कि उनके पास इतना पैसा आ जाए कि वो अपने बच्चों को पढ़ाई अच्छे स्कूल या कॉलेज से करा पाए तो वो फाइनेंशियली फ्री हो जाएंगे। तो किसी को इतने पैसे चाहिए कि वो पूरा विश्व घूम ले। किसी को लगता है कि उनके पास इतना पैसा आ जाए कि वो सारी सुविधा से लैस एक आलिशान बंगले खरीद ले। तो किसी को लगता है
कि वो इतना पैसा कमा लें कि आगे के आने वाले सालों में उन्हें काम ही न करना पड़े। आपके पास जब इतना पैसा हो जाएगा तो आपके जीवन का स्तर खुद ब खुद बढ़ जाएगा। जिसे लोग द गुड लाइफ बोलते हैं वो आप जी पाएंगे। आप फाइनेंशियल फ्रीडम को पाने के लिए अपने गोल्स को सेट करें। लेखक ने फाइनेंशियल फ्रीडम को 7 लेवल में विभाजित किया है जो इस प्रकार है। पहला है क्लैरिटी। आपको ये पता होना चाहिए कि आर्थिक रूप से कहां पर खड़े हैं और आपको कहां पर पहुंचना है, आपके आर्थिक गोल्स क्या हैं। दूसरा है सेल्फ सफिशिएंसी। आपको इतना सक्षम होना चाहिए कि अपने खर्च खुद उठा पाएं, दूसरों की मदद आपको नहीं लेना है। तीसरा है ब्रेथिंग रूम। अक्सर ये देखा गया है कि बहुत सारी आबादी सिर्फ तनख्वाह पर निर्भर होती है, मतलब अगर एक महीने की सैलरी नहीं आई तो उनका जीवन यापन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस लेवल में हमें अपनी सैलरी पर ही निर्भर नहीं रहना है, हमारे पास सेविंग्स भी होनी चाहिए। चौथा है स्टेबिलिटी। आपके आने वाले 6 महीनों के खर्चे का पैसा होना चाहिए और आपके जितने भी डेट या क्रेडिट कार्ड हैं उसके पैसे चुके होने चाहिए। 5 है फ्लेक्सिबिलिटी। आपके अगले 2 साल के खर्चे कहीं न कहीं इन्वेस्टेड होने चाहिए। 6 है फाइनेंशियल डिपेंडेंसी, मतलब कि आपके पैसे ऐसे जगह निवेश होने चाहिए जिससे आपको जीवन भर इनकम होती रहे और आपका नौकरी करना एक ऑप्शन बन जाए, जरूरत नहीं। 7 है एब्यूडेंट वेल्थ। जितना आपको जरूरत है उससे कहीं ज्यादा अगर आपके पास पैसा है तो आप फाइनेंशियल फ्री हैं। आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक गोल को हासिल करने के बाद आपका दूसरा गोल होगा कि अपने पैसे को डबल किया जाए। छोटे छोटे गोल बनाइए और अपनी सारी जान लगा दीजिए उसे हासिल करने में, और जैसे ही वो पूरा हो जाए अगले वाले पर जाइए। और याद रहे कि अपने सक्सेस को सेलिब्रेट भी करिए ताकि आपको मोटिवेशन मिले और अगले गोल को हासिल करने के लिए आप उत्साहित रहें। लेवल 5 और लेवल 6 की दूरी बहुत महत्वपूर्ण और लंबी है, इसीलिए औरों से ज्यादा इसमें आपको अपना ध्यान लगाना है। और फिर क्या है, आपको फाइनेंशियल फ्रीडम पाने से कोई नहीं रोक सकता। फाइनेंशियल फ्रीडम कहे चाहे अर्ली रिटायरमेंट या फिर फाइनेंशियल डिपेंडेंस, इन सब का अर्थ क्या है ये आपके ऊपर निर्भर करता है। इतने पैसे होने के बाद आपको काम करना है कि नहीं, आपको अपना जीवन कैसे व्यतीत करना, इन सब बातों का निर्णय सिर्फ और सिर्फ आप ही ले सकते हैं। आप सुन रहे हैं कुकु FM, ये है किताब फाइनेंशियल फ्रीडम। मैं हूँ RJ रेणुका, कुकु FM, सुने जो मन चाहे। समय पैसे से ज्यादा मूल्यवान है। अगर आपसे 90 साल के वृद्ध जिनके पास अपार संपदा है ये कहें कि आप मेरी जगह आ जाओ और मैं तुम्हारी, तो क्या आप जगह की अदला बदली करेंगे? नहीं ना, क्योंकि किसी 90 साल के व्यक्ति के पास जीने के दिन ही नहीं बचे हैं। और ऐसी संपत्ति का क्या ही करना जिसको आप एंजॉय न कर पाए। कहने का मतलब जरूरत की चीज आपको समय के बाद मिले तो उसकी नीड खत्म हो जाती है। इसी तरह अगर आप अपना जीवन अभी नहीं जिएंगे तो बुढ़ापे में क्या ही जी पाएंगे। एक नॉर्मल एडल्ट लाइफ 25,000 दिनों की होती है और ये दिन आपने 3x3 के क्यूबिकल में बैठ के गुजार दिए तो क्या ही फायदा आपके जीवन का। इसलिए जल्दी रिटायरमेंट आपके लिए सही है ताकि आप वो काम कर पाए जिससे आपको प्यार है। नॉर्मली जब हम रिटायरमेंट शब्द सुनते हैं तो ये अंदाजा लगाते हैं कि व्यक्ति 60 साल का हो गया और वो अब पेंशन के सहारे अपनी जिंदगी की गाड़ी को आगे चलाएगा, पर रिटायरमेंट का ये अर्थ नहीं है। इसका तात्पर्य ये है कि आपके पास इतना पैसा है कि आपको अब काम करने की जरूरत ना पड़े। इसका उम्र से कोई संबंध नहीं है। अगर आप किसी से रिटायरमेंट प्लान के बारे में पूछेंगे तो वो यही बताएगा कि अच्छी जॉब के साथ साथ आपको अपनी सैलरी का एक हिस्सा सेव करना होगा, उसे निवेश करना होगा, कुछ रिटायरमेंट प्लान्स लेने होंगे और आगे के 40 साल के बाद आपके पास इतना पैसा होगा कि आप आराम से रिटायर हो सकें। पर आप देखें तो हम बात समय की कर रहे हैं, क्योंकि सही मायने में जीवन को एंजॉय तो एडल्ट लाइफ में ही करते हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए सबसे पहले तो आपको जितनी जल्दी हो सके और जितना ज्यादा हो सके उतना पैसा निवेश करना होगा। इससे क्या होगा कि आपका पैसा कंपाउंड होने लगेगा और आपका निवेश डबल होता जाएगा। पहले हम समझते हैं कि कंपाउंडिंग होती क्या है। आपका इन्वेस्टमेंट किए बिना ही जिसे मेथड से आप मनी एक्सपोनेंशियल तरीके से बढ़ाते हैं और आपके इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट बढ़ता जाता है, उसे हम कंपाउंडिंग कहते हैं। मान लीजिए आपने किसी भी स्टॉक में अपना पैसा निवेश किया और स्टॉक मार्केट के ऊपर जाते ही आपका लगाया हुआ पैसा भी कुछ प्रतिशत बढ़ जाता है। पैसे की बढ़ोतरी को हम इंटरेस्ट कहते हैं। अगर लगातार स्टॉक मार्केट ऊपर जाता है
तो आपका ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन के साथ ही साथ आपका इंटरेस्ट भी बढ़ता जाता है। समय के साथ आप जितना पैसा मार्केट में लगाएंगे उस पर इंटरेस्ट भी बढ़ता जाएगा और उतनी ही तेजी से आपका पैसा भी कंपाउंड होता जाएगा। शायद इसीलिए आइंस्टाइन ने कंपाउंडिंग को निवेश का आठवां अजूबा कहा था। पैसों के घटने या बढ़ने का एक और कारण भी होता है और वो है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन के कारण ही आपके निवेश का पैसा घटता या बढ़ता है। मान लीजिए आपने कोई भी वस्तु आज से 10 साल पहले 20 रुपए की खरीदी थी, वही वस्तु अब 50 रुपए में मिलती है। जैसे हमारे पापा लोग बात करते हैं कि अगर वो वाला प्लॉट तब 36,000 रुपए में खरीद लेता तो अब हम उसके 30 लाख न देने पड़ते। तो ये सब होता है इन्फ्लेशन के कारण। निवेश करते समय आपको इन्फ्लेशन का भी ध्यान रखना होगा। रिटायरमेंट को रीराइट करना। अगर आप अपनी आय का 20% सेव कर रहे हैं तो आगे के 40 साल बाद आप रिटायर हो सकते हैं, पर ये ट्रेडिशनल तरीका आपको जल्दी रिटायर नहीं होने देगा और आप अपने 20 से लेकर 60 साल तक नौकरी की अधीन रहेंगे। मिडिल क्लास के लिए जीवन का अर्थ क्या है? एक अच्छी सी नौकरी करिए, जितने भी खर्चे हैं उसको अच्छे से पूरा कर पाएं, ध्यानपूर्वक पैसे को निवेश करना, और अगर आप किस्मत वाले निकले तो आप यंग एज में ही रिटायर हो सकेंगे। 48% से ज्यादा लोगों को तो ये पता ही नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं या उनको क्या चाहिए। उन्हें उनके जीवन के गोल्स का भी कोई अंदाजा नहीं और इसलिए वो लोग कहीं न कहीं पीछे रह जाते हैं। एक अवधारणा ये भी है कि यदि आपको बहुत सारे पैसों को कमाना है तो आपको उसके लिए अपना टाइम भी देना होगा। जितना ज्यादा हार्ड वर्क करेंगे उतना ही ज्यादा आप पैसों को कमा पाएंगे। यही कहते हैं ना हमारे बड़े बूढ़े लोग, अपनी लिमिट को पुश करके जरूरत से ज्यादा काम करते हैं और अपनी सेहत से खिलवाड़ करते हैं। पाई पाई जोड़ के अपना पैसा सेव करते हैं और पीछे मुड़कर देखते हैं तो उनको लगता है कि उनके पास उतना पैसा नहीं है जितना कि वो उम्मीद कर रहे थे। तब आपके सपने पूरे होने का क्या फायदा जब आपके पास उसको करने की एनर्जी ही ना रहे। हम आपको यही बता रहे हैं कि आपका यंग एज में फाइनेंशियल फ्री होकर रिटायरमेंट लेना कितना जरूरी है। हमारे द्वारा साझा की गई बातें जैसे अर्निंग, सेविंग, इन्वेस्टमेंट और एग्जीक्यूटिंग के बेस पर हम फाइनेंशियल स्ट्रेटजी बनाकर फाइनेंशियल फ्रीडम को हासिल कर सकेंगे। टाइम वर्सेस मनी। ट्रेडिशनल रिटायरमेंट के अनुसार मनी बहुत लिमिटेड है और फाइनेंशियल एडवाइजर कभी कभी ये सलाह देते हैं कि आप अपने पैसों को हाथ रोक कर खर्च करें और उसे सही जगह इन्वेस्ट करें। उन्हें ये पता ही नहीं मनी लिमिटेड तब है जब हम उससे और पैसे नहीं कमाते। पर सच तो ये है कि मनी लिमिटेड नहीं है, ये एक ह्यूमन इन्वेंशन है। तब तक ग्रो करेगा जब तक हम उससे इकोनॉमी को ग्रो करने में, उसे इन्वेस्ट और खर्च करने में नहीं लगाते हैं। और गवर्नमेंट को ठीक लगेगा तो वो इकोनॉमी को सही चलाने में मनी को और प्रिंट करेगी। संसार में इतना पैसा है कि सबको उनकी जरूरत के अनुसार मिल सके। बस बात ये है कि संसार के आधे से ज्यादा आबादी को उसको ग्रो करने की इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं नजर आती जितनी उन लोगों को नजर आती है जो मिलियनेयर या बिलियनेयर बन जाते हैं। फर्क बस इतना सा ही है, मनी लिमिटेड नहीं है बल्कि टाइम लिमिटेड है। अगर हम इस अवधारणा पर चलते हैं कि मनी लिमिटेड है तो हम अपना समय उसे बचाने में लगा देते हैं जबकि हम वो पैसा उसे कहीं और ग्रो करने में लगा सकते थे। जितना समय हम मनी को बचाने में खर्च कर देते हैं अगर उतना ही समय हम उसे कमाने में लगाएं तो हमारी इनकम ग्रो करेगी। जैसे आपने पैसे बचाने के चक्कर में रिक्शा नहीं लिया बल्कि पैदल ही घर चले गए, या फिर इधर उधर से कूपन को इकट्ठा करने में जो समय गवाया उसे आप दोबारा नहीं ला सकते। वो समय अगर चला गया तो आपके पास से पैसा कमाने का भी समय चला गया। उसका ठीक उल्टा है कि जितना समय हम पैसों को कमाने में लगा देते हैं उतना समय हम किसी और चीज को नहीं दे पाते। आप जैसा कि यहां देख रहे हैं पैसा नहीं टाइम ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है। आप हमें ये बताइए कि वीक डे में कितने आप घर के जरूरी काम कर पाते हैं, या अगर संडे या वीकेंड ना मिले तो क्या आपके घर के जरूरी काम आ पाएंगे? बहुत कम या ना के बराबर। कि हम पैसा कमाने के चक्कर में खुद को ऑफिस में झोंक देते हैं, हम कोई और काम करने का समय ही नहीं मिलता है। हम ये नहीं कह रहे कि आप नहीं कमाइए, बस ये कह रहे हैं कि अपना समय ऐसे कार्यों में लगाए जिससे पैसा खुद ब खुद पैसा हो जाए। उसके लिए हमें बहुत ज्यादा स्ट्रगल ना करनी पड़े, ताकि आपके पास इतना समय बचे कि आप अपनी फैमिली, अपने बच्चों को देख पाएं और वो काम कर पाएं जिससे आपको खुशी मिलती है। अगर आप अपनी आय से कुछ प्रतिशत निकाल कर सेव कर रहे हैं तो आप इस भ्रम में ना रहिए कि आपका पैसा ग्रो करेगा।
वो वहीं पर स्थिर रहेगा, क्योंकि आप उसे ये अपॉर्चुनिटी ही नहीं दे रहे हैं कि वो बढ़ पाए। वहीं पर यदि आप उसे मार्केट में इन्वेस्ट कर देते हैं तो वो कंपाउंड होता रहेगा और आपको अच्छे रिटर्न भी देता रहेगा। हम बस आपसे यही कहना चाहते हैं कि समय बहुत मूल्यवान है, उसे सही से यूज करें। अपनी नैया के सिर्फ आप ही खेवैया हैं। अगर आप ये एडवांटेज लेकर अपने पैसे को सही से इन्वेस्ट कर पा रहे हैं तो आप अपने पैसे को ग्रो तो कर ही रहे हैं, साथ साथ अपने टाइम को भी बचा रहे हैं। अगर आप ज्यादा पैसे बनाना चाहते हैं तो आपको अपने समय के साथ सैक्रिफाइस करने की जरूरत नहीं है। जो व्यक्ति अपना पैसा मार्केट में निवेश कर देता है उसे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं होती, उसका पैसा कंपाउंडिंग के द्वारा बढ़ता रहता है। जितना ज्यादा देर वो मार्केट में इन्वेस्ट रहेगा उतना ही ज्यादा वो रिटर्न आपको, जब आपको लगे कि आपके पास सफिशिएंट पैसा आ गया है तो आप अपना समय ट्रेड करके अपने एंजॉयमेंट में लगा सकते हैं और जीवन खुशी से जी सकते हैं। तो फास्ट ट्रैकिंग फाइनेंशियल फ्रीडम का पॉइंट है कि ज्यादा से ज्यादा पैसा लंबे समय के लिए मार्केट में इन्वेस्ट कर लीजिए ताकि फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ आप अग्रसर हों। What is your number? जैसा कि हम पहले ही चर्चा करते हुए बता चुके हैं कि एक व्यक्ति के लिए फाइनेंशियल फ्रीडम के अलग मायने हैं। किसी को कोई कर्ज चुकाने भर के पैसे चाहिए तो किसी को बच्चों की पढ़ाई अच्छे से हो जाए। बस आपके लिए फाइनेंशियल फ्रीडम कुछ भी हो, पर हम आपको उसको पाने के लिए ऐसे रास्ते बताएंगे जिस पर चलकर आप आसानी से ड्रीम को पा लेंगे। लेखक ने इस पुस्तक में बताया है कि उनके लिए फाइनेंशियल फ्रीडम वो है जब उनके पास इतने पैसे हो जाएं जिससे उनको आगे काम करने की जरूरत ही ना पड़े और उनका इन्वेस्टमेंट ही इतने पैसे ग्रो करके दे दे कि उनका जीवन बहुत ही आसानी से गुजर जाए। ऐसा करने के लिए सबसे पहले तो आपका अपना नंबर जानना होगा जो आपको लेवल 6 तक के लिए ले जाएगा, फिर फाइनेंशियल डिपेंडेंस तक पहुंचा दे, एक ऐसी धनराशि जिसको पाकर आपको लगे कि अब हमें पैसा कमाने की कोई जरूरत नहीं। आप कैसी लाइफ जीना चाहते हैं इसका सीधा असर पड़ता है कि आप कितनी धनराशि चाहते हैं। अगर आप बहुत ग्रैंड लेवल में जीना चाहते हैं तो उसको मेंटेन करने के लिए आपके खर्चे भी बड़े होंगे, तो आपको ज्यादा पैसे की जरूरत होगी जिसके लिए आपको और काम करना पड़ेगा। पर अगर आप बहुत अंदर तक देखें तो आपको पता चलेगा कि अच्छा जीवन जीने के लिए आपको ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं है। एक काम करिए, एक पेपर पेन लीजिए और आपके लिए एक अच्छा दिन कैसा होना चाहिए कोशिश करिए इसको लिखने की। आपको क्या लगता है कि आप कब सबसे खुश होंगे? अब ये लिखिए वो सबसे खुशी वाला दिन क्यों होगा और वो आपको खुशी दे रहा है उसकी क्या वजह है। लिखने के बाद सोचिए आपको ऐसी लाइफ जीने के लिए कितनी धनराशि की जरूरत होगी। होता क्या है, जब आपके पास बहुत ज्यादा पैसा आ जाता है हम उसे कंज्यूमर गुड्स में खर्च करने लगते हैं, जैसे महंगे से महंगा फर्नीचर, महंगी गाड़ी या शानो शौकत के सामान में। पर यदि आप गहराई में सोचेंगे तो आपको पता चलेगा कि अच्छी जिंदगी जीने के लिए या फिर वो काम करने के लिए जिसे आप प्यार करते हैं आपको पैसों की ज्यादा जरूरत नहीं है। शायद जितना आप सोचते हैं उससे कम पैसे की जरूरत होगी आपको एक बेहतर जीवन जीने के लिए। यहाँ पर साइकोलॉजी काम करती है। अगर आपके पास बहुत ज्यादा पैसा आ गया है तो आपको उसके खर्च करने की इच्छा भी खत्म हो जाती है। कई बार ऐसा देखा गया है कि जितने भी मिलियनेयर या बिलियनेयर या कोई अमीर व्यक्ति होता है उसको ज्यादा पैसा खर्च करने की इच्छा नहीं रह जाती, वो थोड़े कंजूस या फिर कम खर्च करने वाले बन जाते हैं। कहने का मतलब है जब आपके पास पैसा आता है तो आप बहुत रैशनल हो जाते हैं, आपको अपना पैसा बहुत सोच समझकर खर्च करना पसंद आने लगता है। आप नहीं चाहते कि आपका पैसा, आपकी एनर्जी या फिर आपके रिसोर्सेज ऐसे कामों में लगे जिससे अच्छा रिटर्न आने की संभावना बहुत कम हो। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा कि अगर आपको कोई चीज खरीदनी है तो उसके लिए 30 से 90 दिन का वेट करिएगा। शर्तिया इस चीज को जरूरत बाद में अपने आप खत्म हो जाएगी। बहुत कम ही ऐसी जरूरतें होती हैं जो इतने दिन तक सरवाइव करती हैं, वरना तो वो बस आपकी इच्छा होती है, जरूरत नहीं। ग्रांट सबिटिया द्वारा लिखी गई इस पुस्तक के सारांश में आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको पता लगता जाएगा कि शुरुआती दिनों में जितने ज्यादा आप पैसे सेव कर लेंगे उतनी ही जल्दी आप रिटायर हो सकेंगे। कहने का मतलब है रिटायरमेंट के लिए कम वर्ष की आयु में आपको कम पैसा सेव करने की जरूरत होगी। वहीं पर अगर आपकी उम्र ज्यादा है तो आपको ज्यादा पैसा सेव करने की जरूरत पड़ेगी।
कम वर्ष की आयु में पैसा सेव करने का मतलब है कि आप जल्दी रिटायर हो सकते हैं। हालांकि आपकी उम्र कम है, आप चाहेंगे कि आपका पैसा ज्यादा दिन तक टिके। उसके लिए आपको उसे मार्केट में इन्वेस्ट करे रहने की जरूरत होगी। जब मार्केट में पैसा इन्वेस्टेड होगा तो आपको एडिशनल साल मिल जाएंगे अपने पैसों को कंपाउंडिंग के लिए। तो मान लीजिए 30 वर्ष की आयु में आपके पास 1 मिलियन पैसा इन्वेस्टेड है और आप 3 से 4% में गुजारा कर लेते हैं, तो आने वाले 30 सालों में आपका पैसा 3 से 4 मिलियन तक पहुंच जाएगा। आपकी उम्र जितनी कम होगी, आपके पास उतनी ही ज्यादा एनर्जी होगी और आप जब चाहे तब कोई भी काम कर सकते हैं या पैसिव इनकम का जरिया ढूंढ सकते हैं। इससे आपके पैसे इन्वेस्टेड रहेंगे। हमारा विश्वास कीजिए, आपकी उम्र से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो गए तो आपका मन करेगा कि आप अपनी एनर्जी और रिसोर्सेज ऐसे कामों में लगाएं जिससे आपको और ज्यादा फायदा हो और आप और ज्यादा इनकम कमा पाए। ऐसा करने से आप मार्केट में इन्वेस्टेड पैसों को खर्च नहीं करेंगे और आपका रिटायरमेंट और सिक्योर हो जाएगा। आप अपनी बोरिंग वर्क लाइफ से रिटायर भी हो सकते हैं और अपने मन की जॉब कर सकते हैं, फिर चाहे वो काम ही पैसा दे। ट्रिनिटी स्टडी के मुताबिक आपको अपने एक्सपेंसेस का 25 गुना सेव करना चाहिए। स्टडी कहती है कि 98% सक्सेस रेट होता है अगर आपने अपने पैसे 30 साल तक इन्वेस्ट किए हैं और पहले साल 4% विथड्रॉ किया है। बाकी के साल 4% प्लस इन्फ्लेशन होगा और आपको पोर्टफोलियो या तो 100% स्टॉक से या फिर 75 स्टॉक और 25% बॉन्ड से इन्वेस्टेड रहेगा। जितना ज्यादा और समय के लिए आपका पैसा इन्वेस्टेड रहेगा, उतना ही ज्यादा आप अपने खर्चों के लिए पैसा विथड्रॉ कर सकते हैं। जब आप अपने रिटायरमेंट के करीब आने लगे तो आपको 1 साल के लिविंग एक्सपेंसेस का इमरजेंसी फंड बनाना पड़ेगा। जब आपके इन्वेस्टमेंट से प्रॉफिट आने लगे तो तब भी आपको खर्चा बहुत हिसाब से करना होगा, फिर चाहे मार्केट ऊपर ही क्यों ना जा रहा हो। कोशिश करिए कि आप अपने इन्वेस्टमेंट का प्रिंसिपल अमाउंट बचा के रखिए, उसको ना निकालिए, क्योंकि जितने दिन मार्केट में रहेगा उतना ही ग्रो करेगा। अब हम ये समझते हैं कि कितनी धनराशि की जरूरत होगी हमें रिटायर होने के लिए। ऐसे बैंक जो रिटायरमेंट प्लान बेचते हैं, अगर उनसे पूछा जाए तो वो बहुत आसानी से बता देंगे, क्योंकि उनके पास रिटायरमेंट कैलकुलेटर होता है जिससे वो आपको धनराशि बता देंगे कि कितने पैसों की जरूरत होगी। लेखक का मानना है कि जितना भी आप अभी बचा रहे हैं, इन्फ्लेशन के कारण भविष्य में उसकी वैल्यू गिरती जाएगी। जितने पैसे रिटायरमेंट में आपके पास होंगे, ताम्र आपके पास उतने ही पैसे रहेंगे और जब आप इन्वेस्टमेंट गेन्स निकालने लगेंगे, आपके पास ज्यादा अमाउंट नहीं रह जाएगा और आपके पास मार्केट में लगे हुए पैसे भी ज्यादा नहीं रहेंगे। फाइनेंस इंडस्ट्री आपको ऐसे प्लान्स बेचने की कोशिश करते हैं जो सिर्फ गेन्स वर्क ही होता है। लेवल 2 से लेकर लेवल 5 आपके करंट एक्सपेंस पर ही निर्भर करता है। तो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए कितने पैसे चाहिए इसका कैलकुलेट करना बहुत महत्वपूर्ण है। सेल्फ सफिशिएंसी में जब आप अपने खर्चे खुद उठा लेते हैं तो वो मासिक खर्च का 1 गुना होता है। ब्रेथिंग रूम में जब हम पेचेक तो पेचेक से उलट जीते हैं तो वो 3 से 5 गुना आपकी मंथली खर्चा होती है। स्टेबिलिटी में जब आपके उधर नहीं रहते हैं तो वो मंथली खर्चा का 6 गुना होता है। फ्लेक्सिबिलिटी में जब आप 24 महीने के मंथली एक्सपेंसेस का पैसा सेव कर रहे थे तो वो महीने के खर्चे का 24 गुना होता है। आपके बार बार होने वाले खर्च आपकी धनराशि पर बहुत ज्यादा प्रभाव डालते हैं। इसको अगर हम इक्वेशन में करके देखें तो अगर आप 3500 रुपए महीने खर्च करते हैं तो साल का 42,000 हुआ और उसको 25 साल वाले फॉर्मूले में रख कर देखें तो कुछ इस प्रकार इक्वेशन होगी, 3500 × 12 × 25 जो हुआ 105,000। अगर हम इस खर्च को घटा दें तो आपके पास ज्यादा पैसा इन्वेस्टेड रहे। हमको अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा, बस उतने ही खर्चे करने होंगे जिनसे आपका जीवन पर्याप्त रूप से चल सके। अपनी आदतों पर कंट्रोल रखकर हम अपने इन्वेस्टेड मनी को लॉन्ग टर्म के लिए बचा सकते हैं। कोई भी अनवांटेड खर्च ना करें, बाहर से मंगाने के बजाय खुद घर पर खाना बनाइए, हेल्दी लाइफ को लीड करिए। ऐसा करने से आप खर्चे पर कटौती कर सकते हैं। पर सबसे ज्यादा और बड़ा खर्चा होता है घर का, घर को लेने में या वो एरिया सेलेक्ट करने में जिसमें आपको रहना है। ये बहुत एक्सपेंसिव साबित होता है। ये तो बात हो गई खर्चों की, आप बात कर लेते हैं इनकम की। अगर आपकी रिकरिंग इनकम है
तो भी आपके इन्वेस्टमेंट पर असर पड़ेगा, पर ये पॉजिटिव प्रभाव होगा। अगर आपके इन्वेस्टमेंट के अलावा भी कहीं और से आय के आने का स्रोत है तो आपका पैसा मार्केट में इन्वेस्टेड रहेगा और कंपाउंडिंग की मदद से ग्रो करता रहेगा। नेटवर्थ। अब तक आपने अपने बड़े गोल को छोटे छोटे गोल में विभाजित कर लिया होगा। अब आपको शुरुआत करने के लिए सबसे पहले तो अपनी नेटवर्थ निकालनी होगी, तभी आपको पता चल पाएगा कि आप कहां पर स्टैंड करते हैं। पहले तो हम नेटवर्थ का मतलब समझते हैं। जब आपकी टोटल असेट में से टोटल लायबिलिटी को घटाया जाता है तब व्यक्ति की नेटवर्थ पता चलती है। आपकी नेटवर्थ आपकी धनराशि के लिए बहुत जरूरी है। शायद आपने कभी किया ना हो, पर आपके पास कितने पैसे हैं या स्टॉक है, इस बात की जानकारी आपको होनी चाहिए। अगर आपने अभी तक जानकारी नहीं रखी है तो आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। जितना आप टालेंगे उतना ही आपको देर लगेगी और उतने ही आप दूर होते जाएंगे। हमें पता है कि थोड़ा टफ काम है अपने मनी को देखना, पर धीरे धीरे आपकी इस तरह आदत पड़ जाएगी और एक दिन आप अपनी मनी देखने के लिए उत्साहित रहेंगे। जितना जल्दी आप स्टार्ट करेंगे उतनी ही जल्दी आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के करीब पहुंचेंगे। अगर आप पैसे बचा के इन्वेस्ट करते रहेंगे आपकी नेटवर्थ कंपाउंडिंग के द्वारा बढ़ती रहेगी और आपकी ग्रोथ भी एक्सेलरेट होती जाएगी। जैसे आप देखेंगे आपकी इन्वेस्टमेंट रोज 100 रुपए बढ़ी, फिर 1000 रुपए बढ़ी और फिर 10,000 रुपए। आप खुद ब खुद मोटिवेट होते रहेंगे और ज्यादा से ज्यादा बचाने की कोशिश करेंगे। हम आपको एक आसान तरीका बताते हैं कि कैसे आप अपनी नेटवर्थ निकाल सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपको जरूरत पड़ेगी एक पेन और पेपर की। हालांकि नेट पर बहुत से ऐप उपलब्ध हैं, पर हम चाहते हैं कि आप खुद इसको कैलकुलेट करिए। आप अलग अलग कॉलम बना लीजिए, फिर एसेट और लायबिलिटी इसमें लिखते जाइएगा। शुरुआत करते हैं आपके एसेट से। एसेट आपकी संपत्ति होता है जिसको आप दोबारा सेल कर सकते हैं। ये कुछ भी हो सकता है, जैसे आपकी कार, बाइक, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, रियल एस्टेट या फिर कोई एटिक का सामान ही क्यों ना हो। पर आपकी इसको रियल वैल्यू नहीं लिखनी है, बल्कि प्रेजेंट टाइम पर अगर आप बेचेंगे तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी ये लिखना है। जैसे मान लीजिए आपने फर्नीचर 25,000 में 5 साल पहले खरीदा था, पर अब उसकी वैल्यू 10,000 ही रह गई है, तो बस आपको उसकी प्रेजेंट वैल्यू लिखनी होगी। आप एसेट वाले कॉलम को 4 भाग में विभाजित करिए, इन्वेस्टमेंट, बैंक अकाउंट, रियल एस्टेट और वैल्यूएबल। बैंक अकाउंट वाले कॉलम में जितना पैसा आपके पास जमा है वो लिखिए, इन्वेस्टमेंट में आपकी सारी इन्वेस्टमेंट, रियल एस्टेट में आपके घर की कीमत या फिर कहीं आपने जमीन ली हो या दूसरा घर हो वो डालिए, और वैल्यूएबल वाले कॉलम में एंटीक्स वगैरह डाल सकते हैं। फिर इन सबका टोटल कर लीजिए, ये सारे आपके एसेट में आ जाएंगे। अब बात करते हैं लायबिलिटी की। लायबिलिटी का अर्थ होता है आपके सारे दायित्व जो आपको चुकाने हैं। आपने कहीं से लोन ले रखा है या क्रेडिट कार्ड को पे करना है या किसी भी तरह का कोई कर्ज है और उसे आपको चुकाना है, तो उसे लायबिलिटी वाले कॉलम में लिख दीजिए। इसका भी आप टोटल निकाल लीजिए। नेटवर्थ। नेटवर्थ निकालने के लिए आपको क्या करना होगा कि आपकी टोटल एसेट को टोटल लायबिलिटी से घटाना होगा। मान लीजिए किसी व्यक्ति का टोटल एसेट 15 लाख और उसकी टोटल लायबिलिटी 4 लाख है तो उसकी नेटवर्थ 11 लाख होगी। अगर मान लीजिए आपकी नेटवर्थ नेगेटिव हो जाएगी, मतलब कि आपको डेट चुकाने के लिए ज्यादा पैसे नहीं है और डेट ज्यादा हो तो वो नेगेटिव में चली जाएगी। घबराने की बात नहीं है, बहुतों के साथ ऐसा होता है और जितने भी अमीर हैं उनमें से बहुतों की नेटवर्थ कभी ना कभी नेगेटिव ही गई होगी। और हम लोग तो आपको रास्ता भी बता रहे हैं कि कैसे आप पैसे कमाएं। आपका नंबर वो धनराशि है जो आपको इन्वेस्ट करने की जरूरत होगी, ताकि वो इन्वेस्टमेंट से पैसा आए उससे आपका जीवन व्यतीत हो सके। और आपका जो नेटवर्थ है उसमें आपको इन्वेस्टमेंट तो रहते ही है, इसके साथ साथ ऐसे एसेट भी होते हैं जिनसे आपको कोई इनकम नहीं होती। आपको अगर ये देखना है कि आप अपने नंबर से कितना दूर या कितने करीब हैं, तो उसके लिए आपको अपनी नेटवर्थ से इनकम जनरेट इन्वेस्टमेंट को अपनी धनराशि से घटाना होगा। डेट के बारे में जानते हैं, बहुत सारे फाइनेंशियल बुक्स या एडवाइजर की ये सलाह होती है कि जितने भी छोटे छोटे डेट हैं उनको सबसे पहले पे करना चाहिए,
उसके पीछे का आइडिया ये है कि सबसे छोटे छोटे डेट पे करेंगे तो आपको मोटिवेशन मिलेगा और थोड़ा सुकून आएगा, फिर बड़े करिए। जब आप सारे डेट पे कर चुके होंगे तब आपको संतुष्टि मिलेगी। पर अगर आपको अपना फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस वाला गोल जल्द से जल्द हासिल करना है तो लेखक की ये सलाह है कि जितने भी बड़े अमाउंट वाले डेट हैं उनको पहले पे करिए, ताकि आप जल्द से जल्द रिटायर हो सकें और आपके पास सेव करने के लिए ज्यादा से ज्यादा पैसे हों। बेसिकली ये एक नंबर हमें होता है जिसके पीछे एक सिंपल मैथ होती है। देखिए, जितने भी बड़े डेट होते हैं उनका इंटरेस्ट हाईएस्ट रेट पर अक्रूड होता है, पर आपका इन्वेस्टमेंट उतनी तेजी से कंपाउंड नहीं हो पाता। और अगर बड़े डेट को बाद में चुकाएंगे तो इंटरेस्ट का अमाउंट बढ़ता जाएगा, तो उसको चुकाने में आपको इन्वेस्टमेंट का बड़ा हिस्सा देना पड़ेगा, जिससे ये घाटे का सौदा साबित होगा। जितने भी कम उम्र में रिटायर होने वाले व्यक्ति हैं वो इसी सिंपल मैथ ट्रिक पर चलते हैं। उनका भी यही मानना होता है कि सबसे पहले ही मॉर्गेज वाले कर्जों को चुकाएं और फिर छोटे मॉर्गेज वाले कर्ज को। देखिए, बात ये है कि कंपाउंडिंग दोनों रास्तों पर चलती है। अगर ये आपके इन्वेस्टमेंट पर लग गई तो आपको हाईएस्ट रिटर्न देती है, और अगर ये आपके डेट पर लग गई तो आपके इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देगी, जिससे आपको अपने इन्वेस्टमेंट का बड़ा हिस्सा गंवाना होगा। तो आपको हमेशा वही रास्ते अपनाने चाहिए जिससे आपको लॉस का सामना कम करना पड़े और प्रॉफिट आपकी खोली में आकर गिरे। पॉलिटिक्स, धर्म और जेंडर के अलावा अगर कोई चीज है जो व्यक्ति को इमोशनल कर देती है तो वो है मनी। मनी के लिए लोग दूसरों को मार तक देते हैं या मर भी जाते हैं। पर अगर हम अपनी वेल्थ बनाने की बात करें तो हम लोगों की सबसे बड़ी गलती ये है कि हम इमोशनल होकर कभी कभी गलत डिसीजन ले लेते हैं, या हमारा इमोशनल होना सही डिसीजन मेकिंग के बीच में आ जाता है। हमारे गलत फैसलों की वजह से हम ऐसी स्थिति में आ जाते हैं कि हमें नुकसान का सामना करना पड़ जाता है। हमें लॉन्ग टर्म गोल पर ही अपना ध्यान केंद्रित करना होगा, मतलब कि हमारा गोल क्या है। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस न तो हर डिसीजन हमारी उसको आधार बना के चलना होगा, क्योंकि हमें लॉस का एहसास तब होता है जब हमारी इन्वेस्टमेंट में से कुछ हिस्सा बिक चुका होता है। कोशिश करिए आपका जो इन्वेस्टमेंट है उसे आप ज्यादा अमाउंट विथड्रॉ ना करें, जैसा है वैसे ही छोड़ दें। आपकी डेली हैबिट्स आपकी वेल्थ पर बड़ा असर डालती है। अगर आपकी हैबिट ऐसी है जिससे ज्यादा खर्च होता है तो इसका सीधा असर आपके इन्वेस्टमेंट पर पड़ेगा और वो कम होते जाएंगे। और अगर आपकी आदत ऐसी है जिससे इन्वेस्टमेंट में ज्यादा पैसा नहीं खर्च होता है तो वो कंपाउंड होकर आपका पैसा ग्रो करेगा। जैसे कि हमने आपको पहले एक उदाहरण दिया था कि मान लीजिए आप बाहर का खाना रोज खाते हैं तो आपके खर्चे बढ़ेंगे, खर्चे बढ़ेंगे तो आप इन्वेस्टमेंट से ज्यादा विथड्रॉ करेंगे जिससे आपका इन्वेस्टमेंट कम होगा। अगर आप उसे घर पर बनाइए तो इतना खर्च नहीं होगा और आपका पैसा बचेगा। आपको अपने मनी को डेली ट्रैक भी करना होगा ताकि आप अपडेटेड रहें और अपना पैसा बचाने के लिए मोटिवेट होते रहें। लोग अपने मनी को ट्रैक नहीं करते और इस कारण उनसे इतना खर्चा हो जाता है कि वो अपने लोन का EMI भी नहीं पे कर पाते हैं, या इतना लोन लेते हैं जिससे उनको इंटरेस्ट का अच्छा खासा अमाउंट चुकाना पड़ता है। इसलिए आप अपने मनी को सोच समझ के खर्च करिए और उसको डेली या वीकली ट्रैक करते रहिए। हाउ टू बिल्ड वेल्थ क्विकली। अब तक आपको इतना तो पता चल गया होगा कि आप कहाँ हैं और आपको कहाँ जाना है। अब बारी है आपको अपनी स्ट्रेटेजी बनाने की कि वो कहाँ तक आपको कैसे पहुँचाना है। वेल्थ को बिल्ड करने के लिए 3 लीवर होते हैं। इनकम, आप कितना कमा पा रहे हैं। सेविंग, आप कितना सेव कर पा रहे हैं। एक्सपेंसेस, आप कितना खर्च करते हैं। बहुत सिंपल सा फंडा है, जितना ज्यादा आप सेविंग्स और इनकम बढ़ाएंगे और एक्सपेंसेस को कम करेंगे उतना ही जल्द आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बन जाएंगे। पर कुछ एडवाइजर या एक्सपर्ट सिर्फ 2 लीवर पर ही जोर देते हैं। उनका मानना है कि अपने खर्चों को कम करके सेविंग्स को बढ़ाना, पर एक हद तक ही हम अपने खर्चों को रोक सकते हैं। तीसरे लेवल पर उनका ध्यान ही नहीं जाता। पर अगर हम अपने वेल्थ को बिल्ड करना है तो आपको 3 लेवल के पोटेंशियल को बढ़ाना पड़ेगा। अपने खर्च को कम करने के साथ साथ सेविंग्स और इनकम को बढ़ाने से आपकी वेल्थ जल्दी एक्यूमुलेट होगी। आपकी फास्ट ट्रैक फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए दोनों जरूरी है। अपनी इनकम को बढ़ाना एक्सपेंसेस को कम करने से ज्यादा पावरफुल होता है, क्योंकि एक्सपेंसेस को कट करने, इनकम को बढ़ाने से आप ज्यादा सेव करते हैं। अगर आप अपनी इनकम का स्रोत बढ़ाते हैं और अच्छा खासा पैसा सेव कर पा रहे हैं तो
तो आप फाइनेंशियल फ्रीडम के करीब तो हैं, पर तब तक आप उस पैसे को अच्छी तरह से सेव करके इन्वेस्ट नहीं करेंगे। आप अपनी उपेक्षित उम्र से रिटायरमेंट नहीं ले पाएंगे। आपका सेविंग्स रेट जितना ज्यादा होगा, उतना ही जल्दी आप फाइनेंशियल फ्री होकर रिटायर हो सकते हैं। आपका 1% पैसा भी बचाना आपके लिए बहुत यूजफुल हो सकता है। एंटरप्राइज माइंडसेट। मार्केट में कितनी ही बुक, मैगजीन, केस स्टडी और आर्टिकल मौजूद हैं, जिसको पढ़ने से आपको पता चलता है कि अमीर और अमीर होते जा रहे हैं। इसका बस एक ही कारण है, वो जितना हो सकता है पैसा कमाते हैं और उसे बचाकर इन्वेस्ट करते हैं। हम इस थिंकिंग को एंटरप्राइज माइंडसेट कहते हैं। बिजनेस जैसे पैसे कमाते हैं, उसे बचाते हैं और पैसों को ग्रो करते हैं, वही थिंकिंग इस माइंडसेट में झलकती है। वो अपना समय और पैसा बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करते। वो हर अपॉर्चुनिटी को कैश कराने और वेल्थ को बिल्ड करने की कोशिश करते हैं। फिर वो चाहे एक्सपेंसेस को कट करें या टैक्स को मिनिमाइज करें या फिर जो भी रास्ता पॉसिबल हो उसको यूज करने की कोशिश करें ताकि उनकी इनकम बढ़ती जाए। आपके लिए अच्छी बात ये है कि कोई भी जिसके पास इंटरनेट कनेक्शन है वो ये एंटरप्राइज माइंडसेट को अपना सकता है। नेट पर इतने सारे टूल्स और एप्स अवेलेबल हैं जिससे आप अपना इन्वेस्टमेंट परफॉर्मेंस को कंट्रोल कर सकते हैं। बहुत सारी वेबसाइट नेट पर हैं जो नई स्किल्स सिखाती हैं या फिर नई जॉब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं, जैसे ऑनलाइन कंटेंट राइटिंग या एडिटिंग या डाटा ऑपरेटिंग, जिससे आपको अपनी मेन स्ट्रीम जॉब के साथ फ्रीलांसिंग करने का भी मौका मिलता है। ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाने के लिए आपको मनी मेकिंग स्ट्रेटजी को कंबाइन और मैक्सिमाइज करने की जरूरत होगी। 4 तरीके हो सकते हैं जिससे आप ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट, आप किसी और के लिए काम कर रहे हैं। साइड हसल, जॉब के साइड बाय साइड जॉब करना। एंटरप्रेन्योरशिप, साइड हसल को फुल टाइम में कन्वर्ट करना। इन्वेस्टिंग, मार्केट में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना। अगर आप इन चारों पर सही से ध्यान देते तो आप ज्यादा से ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। आपके पास यदि कोई साइड हसल है और आपकी फुल टाइम जॉब चल भी जाती है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप यदि कुछ हैंडमेड बनाते हैं तो उसे एटसी या कोई ऑनलाइन साइट पर लिस्ट करके सेल कर सकते हैं या कोई टेक सर्विस ऑनलाइन ही दे सकते हैं। हैक योर फुल टाइम जॉब। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप 9 to 5 जॉब से ही फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकेंगे तो आप ये गलत सोच रहे हैं, क्योंकि आपका एम्प्लॉयर आपसे ज्यादा से ज्यादा काम कराएगा, आपका ज्यादा से ज्यादा टाइम लेगा, पर आपको सैलरी जितनी कम हो सके उतनी ही कम देगा, क्योंकि उसको अपने खर्चों में कटौती तो करनी ही होती है। पर इसके कुछ बेनिफिट भी हैं जो आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे। समझ लीजिए कि ये एक फाउंडेशन है जिसको बेस बना के आप आगे बढ़ सकते हैं। आपकी फुल टाइम जॉब न सिर्फ आपको बंधी सैलरी देती है, साथ ही साथ नई स्किल या कनेक्शन डेवलप करने का मौका भी देती है। कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जो आप नॉर्मल लाइफ में इनकार नहीं कर सकते हैं, वो एम्प्लॉयर ही आपको प्रोवाइड कर सकता है, जैसे इंश्योरेंस। कुछ कंपनी में ये रूल होता है कि आपको ऑफिस आकर ही वर्क करना है, पर कुछ ऐसे भी कंपनी है जो आपको वर्क फ्रॉम होम का भी ऑप्शन देती है, जिससे आप घर पर रहकर ही काम कर सकते हैं। बस आपको अपने एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट के सारे क्लॉज पढ़कर साइन करना होगा। वर्क फ्रॉम होम से ये बेनिफिट मिलता है कि आप जॉब के साथ ही साइड हसल का भी काम कर सकते हैं। बहुत सी कंपनी तो फ्री फूड और हाउसिंग फैसिलिटी भी प्रोवाइड करती है, जिससे आप अपनी सैलरी का मैक्सिमम अमाउंट सेव करके मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अपने एम्प्लॉयमेंट का आप ऑप्टिमम यूज करिए ताकि आप ज्यादा इनकम सेव कर सके। साइड हसल टू डाइवर्सिफाई योर इनकम। साइड हसल में आप ऐसा काम करिए जो ट्रेंडिंग में हो और जिसे लोग पसंद करें और अंत में उसे खरीद लें। साइड हसल का ऐसा स्रोत है जो आपको फुल टाइम जॉब के साथ आप कर सकते हैं। कोई भी सर्विस या प्रोडक्ट आप चुनिए, बस इतना ध्यान रहे कि उसे काम में आपको ज्यादा समय ना देना पड़े। साइड हसल में फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी बहुत कमाल की होती है और फाइनेंशियल रिस्क बहुत कम होते हैं। अगर आपका कोई साइड हसल नहीं चला तो कोई बात नहीं, कोई दूसरा ट्राई करिए। आप ट्राई करना नहीं छोड़िएगा। अगर आप फुल टाइम जॉब में सही से कमा पा रहे हैं तो साइड हसल की पूरी इनकम आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसा कि हमने पहले की चर्चा में आपको बताया था कि एक एक पैसा आपको इन्वेस्टमेंट के लिए यूजफुल होता है। आप साइड हसल में जितना भी कमा पा रहे हैं, चाहे वो ज्यादा हो या कम, बस आप इन्वेस्ट करते रहिए।
आप बुनाई कर लेते हैं अगर तो आप एटसी पर सेल कर सकते हैं। आपको घूमना पसंद है तो आप पार्ट टाइम के लिए गाइड बन जाइए। आपको पढ़ना पसंद है तो बच्चों को ट्यूशन दीजिए। कहने का मतलब ये है, साइड हसल में आप कुछ भी करके पैसा कमा सकते हैं। कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो आप साइड हसल करते वक्त ध्यान में रखिएगा। ऐसा साइड हसल चुनिए जिसमें आप खुद के लिए काम कर सकें। समय के बराबर ही साइड हसल आपको पैसा कमा के दे रहा हो। इसको करते वक्त आप एंजॉय करते हैं। वो नई नई स्किल्स सिखाता है जिसमें ग्रोथ की संभावना हो। जितना ज्यादा आप साइड हसल में काम करेंगे, आप उतने ही परफेक्ट होते जाएंगे। बाद में आपको उसके प्रोडक्शन में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, आपकी सेल भी बढ़ जाएगी। साइड हसल पैसिव इनकम का बहुत प्रसिद्ध और उपयोगी स्रोत है। हायर पीपल टू वर्क। कभी कभी साइड हसल में इतना ज्यादा काम हो जाता है कि उसको अकेले करना बहुत मुश्किल हो जाता है, या फिर आपका साइड हसल का बिजनेस इतना ज्यादा बढ़ गया है कि उसे अकेले मैनेज करना आपके लिए इतना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, तो आपको कुछ बंदे हायर करने की जरूरत पड़ेगी। जब लोग आपके साथ काम करेंगे तो आपके साइड हसल का पोटेंशियल बढ़ेगा। आपकी साइड हसल इतना ज्यादा पैसा कमा रही है कि अगर आप किसी बंदे को रख कर उसकी सैलरी आराम से निकल पा रही है तो क्या कमी है। आप बस उसको और बढ़ने की संभावना पर काम करिए। इन्वेस्ट एज अर्ली एज पॉसिबल। इन्वेस्टमेंट में कमाई हुई जो इनकम होती है वही सबसे बड़ा स्रोत है जिसके कारण अमीर और अमीर बनते जा रहे हैं। वो क्या करते हैं कि अपना पैसा इधर उधर खर्च करने के बजाय उसे इन्वेस्ट करते हैं और उसे बचा कर रखते हैं। यही एक तरीका होता है जिससे आप हमेशा रिच बने रहेंगे। आप चाहें तो कहीं पर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, पर स्टॉक, बॉन्ड या रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। कोशिश करिए कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप इन्वेस्टमेंट करके आप ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। क्या आपकी परचेज वाजिब है? आजकल पैसे खर्च करना बहुत इजी हो गया है। बस कार्ड स्वाइप करो, एक क्लिक करो या फिर एक बटन प्रेस करो और सामान आपके घर पर। जितनी ही आसान सामान खरीदना और बेचना हो गया है उतना ही आसान लोग उसे खर्च भी करने लगे हैं। उन्हें नहीं पता चलता पर कभी कभी वो बिना जरूरत के सामान भी मंगवा लेते हैं जिसका वो यूज नहीं करते। बाद में पता चलता है कि उन्होंने इसे बेकार ही मंगवा लिया। अगर आप फास्ट ट्रैकिंग फाइनेंशियल फ्रीडम के रास्ते पर चलना चाहते हैं तो आपको एक प्रिंसिपल को गांठ बांधकर याद करना होगा और वो है सेविंग मनी इज मेकिंग मनी। कोई भी सामान खरीदने से पहले ये सोचिए क्या उस सामान की आपको सच में जरूरत है। आप सामान के बदले जो पैसा ट्रेड कर रहे हैं क्या वो सच में वर्दी है? आप सिर्फ सामान ही नहीं खरीद रहे, आप उस सामान के बदले अपना समय और एनर्जी भी लगा रहे हैं। आपका एक एक पैसा आपको आपके गोल के करीब लाता है और अगर आप उसे खर्च करने से पहले सोचिए कि क्या वो इतना जरूरी है कि आप अपनी फ्रीडम से कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। आप एक घंटे में कितना कमाते हैं, इसके लिए सबसे पहले तो आपको आर्ली रेट निकालना होगा। ये तो बात हुई आपकी फुल टाइम जॉब से मिलने वाली सैलरी की, पर अगर बात करें जॉब पर जाने से लेकर डी स्ट्रेस करने तक जो भी आप खर्च कर रहे हैं वो भी आपको कैलकुलेट करना होगा। जैसे तैयार होने में कितना टाइम लगा, कितना कन्वीनियंस लगा, ऑफिस के कपड़े खरीदने में कितना समय और पैसे गए, और खुद को डी स्ट्रेस करने के लिए आपने क्या किया, ये सब आपको कैलकुलेट करना होगा। कुछ भी सामान खरीदने से पहले आप खुद से 11 सवाल पूछने होंगे, तब जाकर आप कोई सामान खरीद सकते हैं। पहला, ये वस्तु आपको कितनी खुशी देगी। कुछ भी खरीदने से पहले आप खुद से ये सवाल पूछिए कि जो आप परचेज करने जा रहे हैं क्या वो आपको उतनी खुशी देगी। मान लीजिए आप अपने ऑफिस जा रहे हैं, आपने कोई कॉफी शॉप देखी, आपने सोचा 40 रुपए की ही तो है कॉफी, चलो पी लेते हैं, और ऐसा आप रोज करने लगे तो क्या होगा कि जब आप एनुअल एक्सपेंसेस निकालेंगे तो वो बहुत बड़े खर्चे के रूप में नजर आएगी। आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम को सबसे ज्यादा छोटे खर्चे ही इफेक्ट करते हैं। तो कुछ भी खरीदने से पहले आप ये सोचिए कि क्या वो चीज आपको लॉन्ग टर्म के लिए खुशी दे सकती है। दूसरा है, सामान खरीदने के लिए कितने पैसे कमाने होंगे। आप एक घंटे में कितना कमाते हैं पहले तो आपको ये जानना होगा। उसके बाद ये देखना होगा कि वो वस्तु खरीदने के लिए आपको कितना और कमाना है, या फिर अपनी सेविंग से एडजस्टमेंट करनी है। सेविंग से एडजस्टमेंट करने का मतलब आप फाइनेंशियल फ्रीडम को और दूर भेज रहे हैं। तीसरा है, वस्तु को खरीदने के लिए आप कितने घंटे ट्रेड कर रहे हैं।
उस वस्तु को खरीदने के लिए आप अपने जीवन के कितने घंटे ट्रेड करेंगे। आपको ये देखना होगा कि उस वस्तु की कीमत कितनी है और उसको खरीदने के लिए आपको कितनी और मेहनत करनी होगी, ताकि टैक्स वगैरह हटाकर आपकी सेविंग्स पर ज्यादा असर ना पड़े। चौथा है, क्या मैं उसे अफोर्ड कर सकता हूँ। ये बहुत ही वाजिब सवाल है। जब कभी भी आप कोई बड़ी वस्तु खरीद रहे हैं और आपके पास से बहुत ज्यादा धनराशि जा रही है, तो आपको खुद से ये सवाल पूछने की जरूरत है कि क्या आप उसे अफोर्ड कर सकते हैं कि नहीं। जैसे आप कोई महंगी ड्रेस खरीद रहे हैं, या फिर सपोज आप कोई महंगा फर्नीचर खरीद रहे हैं, तो आपको सोचना है कि क्या आप उसे अफोर्ड कर पाएंगे और कहीं आपकी सेविंग तो नहीं कॉम्प्रोमाइज होगी। पांचवा है, परसेंटेज के मुकाबले प्राइस कैसे कंपेयर करते हैं। मान लीजिए आपको नूडल्स बहुत पसंद है। आप जिस रेस्टोरेंट में जाते हैं वहाँ पर उसका प्राइस 200 रुपए है, और अगर आप उसको घर पर बनाएं तो उसकी कॉस्ट मात्र 40 रुपए ही होगी। तो आपके लिए क्या फायदेमंद हुआ, घर पर खाना ना? उसी तरह आपको अपनी हर परचेज करते समय उसके प्राइस को कंपेयर करना होगा। छठा है, क्या वो वस्तु सस्ते में खरीदी जा सकती है। आप जब भी परचेज करने की कोशिश करें, इस सवाल का उत्तर ढूंढ लें। क्या वो वस्तु आपको फ्री में मिल सकती है, या फिर उससे बहुत कम दाम में। बस उसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करके मार्केट में ढूंढना पड़ेगा, या फिर बहुत सी ऐसी साइट्स हैं जिस पर वो प्रोडक्ट आपको कंपैरेटिवली कम दाम में मिल जाता है। जैसे मान लीजिए आपको स्टडी टेबल लेनी है, उसके लिए आप ऑनलाइन साइट्स जैसे OLX पे सर्च करके खरीद सकते हैं। सातवा है, कन्वीनियंस पर कितना खर्च हो रहा है। नॉर्मली क्या होता है कि लोग अपने कन्वीनियंस के चक्कर में ज्यादा पैसा खर्च कर देते हैं। हम चीज को नापते तोलते नहीं है। कभी कभी आलस के चक्कर में या कभी झंझट में न पड़ना पड़े, इसलिए ज्यादा पैसा देकर चले आते हैं। बस उसी को हम सोच समझ कर करना होगा। जैसे आप घर की सफाई करने के लिए सफाई वाले को 2000 रुपए महीना देते हैं, अगर आप खुद कर लें तो आपको एनुअली 24000 रुपए बचेंगे, जिसको आप मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आठवां है, साल भर में कितना खर्च आएगा। जो खर्च रिकरिंग होते हैं, दूसरे शब्दों में कहें तो जो खर्च आप बार बार करते हैं, उनका आपकी सेविंग्स पर कितना असर हो रहा है। क्या होता है, जो खर्च हम बार बार करते हैं उनका असर यूं तो नहीं दिखता, पर अगर आप उसे एनुअली कैलकुलेट करेंगे तो वो अमाउंट देखकर आप अचंभित भी हो जाएंगे। जैसे एक रोज शाम का स्नैक्स अगर आप बाहर खाएं तो यूं तो लगेगा कि 20 रुपए का ही तो है, पर उसे सालाना निकलेंगे तो 7200 बनेंगे, जो छोटी रकम नहीं है। याद रखिए, जितना ज्यादा आपका खर्चा होगा उतनी ही ज्यादा आप अपने सपने से दूर होते जाएंगे। नौवा है, उस प्रोडक्ट की पूरी यूज कॉस्ट क्या है। जो चीज आप खरीद रहे हैं, अगर आप उसे बार बार इस्तेमाल करने वाले हैं तो सही है, वरना उसकी यूज कॉस्ट बेकार है। हम आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझाते हैं। जैसे आपको ग्रिल्ड खाना बेहद पसंद है, आप उसे लेने जा रहे हैं और दो प्रोडक्ट के बीच में कंफ्यूज हैं। एक का प्राइस 5000 है, दूसरे का 10000। आप कितनी जल्दी ग्रिल यूज करते हैं और कितने साल उसे यूज करेंगे, इन दो प्रश्नों को आधार बना के हम समझते हैं। अगर ग्रिल आपके हफ्ते में 2 बार ही उसे यूज करते हैं तो साल में 104 बार करेंगे, और 10 साल तक यूज करते हैं तो 1040 बार उसे यूज करेंगे। अब आप खुद अंदाजा लगा दीजिए कि सस्ता वाला आपके लिए ठीक होगा कि महंगा वाला। दसवां है, फ्यूचर में इस मनी की कितनी वर्थ होगी। एक एक पैसा जितना भी आप खर्च रहे हैं, अगर आप उसको इन्वेस्ट करते तो उसकी वैल्यू फ्यूचर में क्या होती। बस इसी प्रश्न को सोचकर आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदिए। आज आप जो कुछ भी खरीद रहे हैं, आप अपने पैसों को सेव करके ग्रो करने की संभावना के साथ सैक्रिफाइस कर रहे हैं। ग्यारहवा है, फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए कितना समय दे रहे हैं। जितनी कम उम्र में आप पैसा बचा के इन्वेस्ट करेंगे, कंपाउंडिंग की मदद से आप उतनी ही जल्दी फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं। अगर 20 रुपए का स्नैक्स आपको खुशी दे रहा है और उसके लिए आप 16 मिनट का ट्रेड कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि ट्रेड आपके लिए वर्दी है, तो आप बिल्कुल करिए। जैसे जैसे आप इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस में लाते जाएंगे, वैसे वैसे आपकी परचेज भी बेहतर होती जाएगी और पैसा बचाकर आप इन्वेस्ट भी करते रहेंगे। बजट। लेखक ग्रांट सबटियर ने अपनी पुस्तक फाइनेंशियल फ्रीडम में अपने विचारों को व्यक्त करते हुए बताया है कि बजट आपके जीवन का स्तर गिरा देता है।
बजट के कारण ही हम कमतर चीजों में खुश रहने की कोशिश करते हैं। कुछ ही लोग इसको लाभप्रद बोल पाते हैं। आप सिर्फ छोटे खर्चों को कट करके पैसा नहीं सेव कर सकते, आपको अपने बड़े खर्चों पर ध्यान देना होगा, जैसे ट्रांसपोर्टेशन या हाउसिंग, जो कि बजट की रेडियस में नहीं आता। बजट भी डाइटिंग जैसा होता है, जितना आप उसे पाने की कोशिश करते हैं उतना ही आपका मन डाइटिंग तोड़ने का करता है। कभी कभी हम लोग पैसे बचाने में इतना टाइम और एनर्जी वेस्ट कर देते हैं कि एक्चुअली में कुछ सेव या इन्वेस्ट कर ही नहीं पाते। कुछ बातों को ध्यान में रख लेंगे तो अपने पैसों को आप ज्यादा से ज्यादा बचा सकते हैं।